नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप। 10 फरवरी 2021 को शनि जो कि मकर राशि में स्थित हैं, अस्त थे, अभी तक वो उदय हो रहे हैं 2:06 पर। तो ऐसे में शनि के उदय होने से बहुत फायदा मिलने वाला है, अर्थात बहुत सारी राशियां, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि वे अस्त थे लेकिन वे उदय होने वाले हैं और उदय होते ही शनि बनाएंगे धनी। तो किस तरह से शनि आपको कामयाब बना सकते हैं, किस तरह से आप मेहनत करके फायदा उठा सकते हैं शनिदेव का, जानेंगे आज राशि अनुसार। शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो मेष राशि है यदि आपकी, तो आपके 10वें घर में शनि विराजमान है जो कि अभी उदय होने जा रहे हैं। व्यापार में लाभ होगा, पूंजी निवेश करने से भी लाभ होगा। करना क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जाप कर सकेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और हनुमान जी की पूजा आराधना करने से मंगल प्रसन्न होते हैं। काली दाल का दान कीजिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए, शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके कार्य यकीनन बनेंगे। बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि है यदि आपकी, तो आपके 9वें घर में शनि उदय होने वाले हैं। शनि 9वें घर में अस्त थे लेकिन वे उदय होने वाले हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा और रुके हुए कार्य आपके जरूर बनेंगे। तो ऐसे में ओम विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परस्वा यद भद्रम तन आसो, शनिदेव के इस विशेष मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होगा, शनिदेव आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र शनिदेव के मित्र हैं, इसलिए भी आपको बहुत अधिक फायदा पहुंच सकता है। तो शनिदेव को प्रसन्न आप जरूर करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र की पूजा आराधना भी आप कर सकते हैं, ऐसे में बहुत जल्दी लाभ होता है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए गले में क्रिस्टल की माला धारण करें, ऐसा करने से भी लाभ होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि है यदि आपकी, तो आपके 8वें घर में शनि उदय होने जा रहे हैं। तो ऐसे में विवाह होने में जो कष्ट है, जो विलंब है, वह दूर होगा, जल्दी ही विवाह हो सकेगा। रुका हुआ धन आप प्राप्त कर सकेंगे और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करें आप, क्योंकि शनिदेव मेहनत करने वाले लोगों को बहुत जल्दी पसंद करते हैं। तो करना क्या है आपको, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शरण नमः इस मंत्र का जाप करें। किन्नरों को दान अवश्य करें, किन्नरों को दान करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हो सके तो हरे चारे का दान अवश्य कीजिए, छाया पात्र कीजिए, अर्थात लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना फेस देखें और कटोरी समय दान कर दें, ऐसा करने से बहुत जल्दी लाभ होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि है यदि आपकी, तो आपके 7वें घर में शनि उदय होने जा रहे हैं। मैरिड लाइफ आपकी ठीक होगी और व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में कामयाबी मिल सकती है। ऐसे में आपको करना क्या है, घर में पार्वद शिवलिंग जरूर लेके आए, पार्वद शिवलिंग के दर्शन करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और सरसों के तेल का दान अवश्य करें, ऐसा करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके काम जरूर बनेंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि है यदि आपकी, तो आपके 6ठे घर में शनिदेव उदय होने जा रहे हैं। ऋण उतरेगा आपका और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें आप, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए वृद्ध आश्रम में जाएं, वृद्ध आश्रम में जाकर सेवा करें, ऐसा करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का जाप करें। इस जाप से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, शनिदेव का बीज मंत्र है ये और इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपकी राशि के अनुसार यदि आप मां शेरावाली की पूजा आराधना करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी का प्रयोग आपको सोच समझ कर करना है। तो ऐसे में आपकी राशि का स्वामी सूर्यदेव, सूर्यदेव की भी पूजा आराधना जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि है यदि आपकी, तो आपके 5वें घर में शनि उदय होने वाले हैं। पढ़ाई अच्छी चलेगी और व्यर्थ में आपका
धन का खर्च जरूर होगा। तो खर्च को होने दीजिए, लेकिन आप बजट बनाकर चलिए। बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए, ऐसा करने से लाभ होगा। भैरव बाबा की पूजा आराधना जरूर कीजिए और हो सके तो लोहे का दान अवश्य करें आप। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि है यदि आपकी, तो आपके चौथे घर में शनि उदय होने वाले हैं। ऐसे में खुशियां आपको जरूर मिलेगी, आपका भाग्य चमकेगा और मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। ऐसे में शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। छाया पात्र जरूर करें, सतनाजा दान करें। सतनाजा दान करने से विशेष लाभ होता है। छाया पात्र करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके काम जरूर बनने लगते हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि है यदि आपकी, तो आपके तीसरे घर में शनिदेव उदय होने वाले हैं। तो शनिदेव मकर राशि में अस्त हो गए थे, अब वे उदय होने वाले हैं। तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त जरूर होगा और इच्छाओं की पूर्ति में विलंब दूर होगा, अर्थात आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी। ऐसे में आप हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, हनुमान जी का संदूर, चमेली का तेल और चांदी का वर्क। इन तीनों चीजों को ले जाकर मंदिर में हनुमान जी की पूजा आराधना करते हुए हनुमान जी को अर्पित करें, ऐसा करने से लाभ होगा। और सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रज्वलित करें, ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि है यदि आपकी, तो आपके दूसरे घर में शनि उदय होने वाले हैं। इससे रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होगा। तो ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। शनिदेव का बीज मंत्र है ये और इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करने से आपके कार्य जरूर पूरे होंगे। एक और मंत्र है, ओम शनियो देवी रविष्टाय आपो भवंतु पिताय शनियो रविष्टवंतु ना, इस खास मंत्र का जाप जरूर करें आप। मकर राशि की बात भी कर लेते हैं। आप ही की राशि में शनिदेव विराजमान है, अब वे उदय होने वाले हैं। रोग आपके दूर होंगे और परेशानियां आपकी दूर होंगी और आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप जरूर करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको बहुत जल्दी लाभ होगा, आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। साथ ही साथ शनिदेव का एक और खास मंत्र, ओम शनियो देवी रविष्टाय आपो भवंतु पिताय शनियो रविष्टवंतु ना, इस खास मंत्र का जाप करें, इससे बहुत जल्दी लाभ होगा। शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए वे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि है यदि आपकी, तो आपके 12वें घर में शनिदेव उदय होने वाले हैं। ऐसे में नए मित्र आपके बनेंगे जो कि आपको लाभ देंगे और आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन का खर्च अधिक जरूर होगा, तो धन का खर्च अधिक होने से आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि यह धन का खर्च निवेश के रूप में हो रहा है, आपको आगे चलकर फायदा होगा। तो ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें, इस मंत्र के जाप से आपको लाभ होगा, आपके कार्य जरूर बनेंगे। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें, इस जाप से आपको लाभ अवश्य होगा, आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मीन राशि की बात भी कर लेते हैं। मीन राशि है यदि आपकी, तो आपके 11वें घर में शनिदेव उदय होने वाले हैं। नए मित्र आपके बनेंगे, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। 11 बादाम ले, उस पर केसर का तिलक लगाएं और चलते पानी में प्रवाह कर दें। इस उपाय को करने से आपको बहुत जल्दी लाभ होगा, आपके रुके हुए काम जरूर बनेंगे और आपके कष्ट दूर होंगे। शनिदेव प्रसन्न होंगे और शनिदेव के प्रसन्न होते ही आपके पास धन आने लगेगा। हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। इस मंत्र का जाप करने से सभी के सभी ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।